सवाल है कि जो युवा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या शेड्यूल में कोई बदलाव होगा, क्योंकि बीच में ये खबरें आई थी कि कई परीक्षाएं रद्द होने वाली हैं। नहीं, रद्द होने का तो कोई भी खबर हमने आयोग ने औपचारिक कभी भी नहीं दी है। और बात यह है कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अनुरोध केवल राज्य सरकार को यह भेजा गया है कि परीक्षा नियंत्रक तैनात करें, क्योंकि काफ़ी समय से परीक्षा नियंत्रक नहीं है, तो वो तैनाती होगी तभी जो परीक्षाओं का जो संचालन होता है, उनकी डेट लगना, उनके बाद जो गोपनीय कार्य है, बाकी उससे पहले का जो कार्य है प्री एग्जाम, वो लोग तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दिसंबर तक हमने वैसे भी प्रपोज किया था कैलेंडर, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी फरवरी तक वो जा सकता है। तो यही इसमें फ़र्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। कितनी भर्तियाँ सर अभी हम कराने वाले थे और किस किस विभाग की भर्तियाँ थी? नहीं, लगभग 3,500 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें पुलिस कांस्टेबल सबसे बड़ा एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड, उसके बाद 894 पदों का, 521 के करीब लेखपाल पटवारी हैं, उसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक हैं, साइकिल का कार का 600 का एक री एग्जाम होना है। तो कुल मिला के 3,500 के करीब ये परीक्षाएं हैं जो हमने करानी है, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं लगातार। और जैसे परीक्षा नियंत्रक भी आएंगे तो उनके उनसे बातचीत करके और उनसे समन्वय करके हम कैलेंडर फिर जारी करेंगे। सर, जो चीज चल रही है, जांच चल रही है, कई तरह के आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ प्रभाव उन चीज़ों का इन परीक्षाओं पड़ेगा या आयोग पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, या आप बिल्कुल स्मूथली अपना वर्क कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है उसका प्रभाव, ना तो हम पे पढ़ना चाहिए ना पढ़ रहा है, और हम तो अपना काम कर रहे हैं। और बस ये है कि इससे हमें जो अनुभव मिला है, ज्ञान मिला है, उससे हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने नया कानून एक बनाया इसी बीच, तो वो काम हम नए कर रहे हैं। टू टीयर एग्जाम का हमने सोचा है, जो राज्य सरकार के निर्णय के बाद हम शुरू करेंगे, तो वो सब हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसे काम जब है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं ऐसी घटनाएं, लेकिन लर्निंग के लिए जरूरी होती हैं। और लर्निंग हमारी उससे हम जो हम अनुभव ले सकते हैं, उससे हम जो सीख ले सकते हैं, उसके बारे में हम कार्य कर रहे हैं। बाकी सारा काम हमारा स्मूथ चल रहा है। आयोग क्योंकि सर तमाम परीक्षाएं कराता है और 88 परीक्षाएं अब तक करा चुके हैं, पहली परीक्षा में इस तरह के आरोप लगे हैं, तो एक कानून आप लेके आ रहे हैं नकल विरोधी कानून, तो क्या प्रपोजल भेज दिया है, किस तरह की व्यवस्थाएं इसमें? नहीं, प्रपोजल एक दो दिन में हम भेज रहे हैं, क्योंकि उसका जो आलेख है थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन करना है, वो लगभग हो गया है और एक दो दिन में हमारा प्रपोजल भी चला जाएगा। और उसमें दो तरह के प्रोविजन है, एक कि जब कोई बच्चा इंडिविजुअल नकल की कोशिश करे, एक तो उसके लिए है कि वो पर्ची ले गया या उसने किसी से पूछ लिया या किसी से कुछ अपना पेपर बाहर भेज दिया अकेले बच्चे ने, तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। और एक जब आप माफिया उसमें लगाए, फिर जैसे इस मामले में पेपर लीक कराने की बात आ रही है, संगठित है, वो बेच रहे हैं लोगों को, और फिर उसमें और आगे वो पेपर जा रहा है इसी तरह की, जैसे ये बात आई या पिछले परीक्षा में ब्लूटूथ का एक मामला आया था, आपको ध्यान होगा, तो जो वो माफिया का कारनामा है, तो उसके लिए अलग प्रोविजन हमने किया है। बच्चों के लिए ये है कि उसमें 5 साल तक उनको सजा हो सकती है, 10 साल के लिए वो डिबार हो सकते हैं, और 1 लाख तक का उन्हें जुर्माना हो सकता है। जब ये माफिया या आयोग का कोई व्यक्ति या कोई और जो दायित्वधारी है परीक्षा का, वो इसमें जुड़ा रहता है और वो नकल के मामले में आता है या परीक्षा केंद्र आता है, तो उनके लिए अलग इसमें प्रोविजन है। उसमें 10 करोड़ तक उन्हें जुर्माना हो सकता है, उनके 10 साल तक की सजा हो सकती है, अगर उन्होंने इससे कोई संपत्ति बनाई है तो वो संपत्ति कुर्क हो सकती है। तो इस तरह के स्ट्रिंजेंट प्रोविजन उसमें रखे हैं, जो अभी तक, क्योंकि ये नकल के लिए 120B और 420 तरह के प्रोविजन हैं जो अवेलेबल हैं, तो अब जो अवेलेबल उसको नॉन अवेलेबल किया गया है और असमनीय किया गया, माने वो दंड वो माफ नहीं कर पाएंगे, जो दंड उनको मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो दंड का समन नहीं हो पाएगा, तो उस तरह के प्रोविजन किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे जो है थोड़ा डिटेरेंट होगा ऐसे लोगों के लिए जो इसमें जुड़े रहते हैं और आसान समझते हैं नकल कराना, उनके लिए थोड़ा कठिन काम होगा। क्योंकि सर इंडिपेंडेंट बॉडी है, आयोग अपने हिसाब से अपना वर्क करता है, जिस तरह की चीज़ें अभी आयोग पर ये हुई हैं और आयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो आपको लग रहा है कि इन आयोग के विश्वास के लिए कुछ उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि बड़े काम जैसे दो टीयर परीक्षा है, नया कानून हम प्रपोज कर रहे हैं राज्य सरकार, उसके अलावा हमारा इंटरनल अरेंजमेंट भी हमको सुधार करना पड़ेगा, अपने सेवा प्रदाताओं के साथ कैसा अरेंजमेंट करना है उसको ठीक करना पड़ेगा। और जहाँ तक इस मामले में संलिप्तता का बात है, तो अभी तक तो हमें हमारी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं आई कि आयोग का कोई भी कर्मचारी इसमें था, और आगे बाकी बातें जांच में सामने आ जाएंगी, जांच हमारी भी हो चलेगी, सबकी चलेगी, कौन था कौन नहीं था सब सामने आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जांच अच्छी हो जाए तो वही आयोग के लिए भी एक प्रमाण पत्र होगा कि आयोग इसमें नहीं था, और जो माफिया हैं उनको सजा मिलेगी। तो अभी सर एसटीएफ जो जांच कर रही है, आपका सहयोग उनको मिल रहा है, आप पूरा सहयोग कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं, जब से हमने FIR कराई है तब से लेके, और उससे पहले भी हमने उनको सूचना का आदान प्रदान किया, FIR करने से पहले भी हमारी बातचीत चलती रही है, और अभी भी जो जानकारी मांग रहे हैं, हमारा काम इस समय यही है इस जांच के बारे में कि हम उनको जो भी सहयोग है, जो भी जानकारी है, हम तत्परता से दें जिससे जांच फटाफट, और आपने देखा होगा इसीलिए जांच इतनी तेजी से भी चल रही है, तो इसमें हमारा भी सहयोग है।
अंत में आप उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे जो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग अभी भी ये सोच कर चल रहे हैं कि आयोग पर इस तरह पर माफिया हम दबाव बना सकते हैं, इंचर्ज कर सकते हैं, युवाओं के लिए खासकर क्या मैसेज आपका जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा? हाँ, जो सीरियस कैंडिडेट हैं खासतौर से जो, और जो इतने कैंडिडेट हमारी परीक्षाओं में निकल चुके हैं, वो जानते हैं कि हमने 5 साल में क्या इंप्रूवमेंट किए हैं, कितने सारे काम किए हैं जो एग्ज़ाम अच्छा से हो। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये मैसेज होगा कि हम इस ऐसी घटनाओं के बाद और भी अच्छा कोशिश करेंगे, आयोग और अच्छा प्रयास करेगा कि एग्ज़ाम और सुंदर हो और ऐसे तत्वों की इसमें किसी तरह से संलिप्तता ना हो पाए, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम्स उनके लिए ये भी मैसेज है कि वो खुद भी शुचिता बरतें, और अगर ये कानून आ जाता है तो उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी सजा हो सकती है और बहुत कठिनाई हो सकती है जो इसमें खुद लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों से ही शुरू होता है, जो पैसे लेके नौकरी के लिए घूम रहा है उसी से ये मामला शुरू होता है। तो उनको भी अब ये ध्यान देना होगा कि वो इस तरह के गड़बड़ी से ना आए और मेहनत करने की कोशिश करें, केवल मेहनत वाला ही आगे इन परीक्षाओं में पास हो पाएगा।